पहले ही होगा, चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। अपनी तोपें और बंदूकें खोल लो और सीए मोमेंट इस देश में लागू करके दिखाओ। पहले सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। धरती पुत्र के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत। पहले अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा और फिर उत्तराखंड में यूसीसी से सहमे विपक्ष पर सीएए की सर्जिकल स्ट्राइक। 24 के चुनाव से पहले मोदी और शाह की जोड़ी ने एक और ब्रह्मास्त्र निकाला जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। टाइम्स नेटवर्क के समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। ग्रुप एडिटर नाविका कुमार के सवाल पर अमित शाह ने सीएए कानून पर बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। अमित शाह ने उन लोगों को भी समझा दिया जो सीएए के नाम पर मुस्लिमों को भड़काते हैं। सीएए पर अमित शाह ने क्या कहा, पूरा बयान आपको सुनाते हैं। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है, जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू बौद्ध जैन क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। अमित शाह ने एक तरफ सीएए की डेट बताई तो दूसरी तरफ साफ कर दिया कि यूसीसी पर बीजेपी का एजेंडा क्या है और यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने की मंशा क्या है। सुनिए यूसीसी पर अमित शाह ने क्या कहा। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है, कांग्रेस भूल गई है। उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने जन्म ही नहीं हुआ था हमारा पॉलिटिकल जन्म। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर यूसीसी को आपने एपीसमेंट के कारण भुला दिया। यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। तो 24 के चुनाव से पहले सीएए पर अमित शाह ने इस मास्टर स्ट्रोक जो चला है उससे विपक्ष की नींद उड़ गई। समाजवादी पार्टी को तो इस मौके पर तोप और बंदूक याद आने लगी। अमीक जमेई क्या कह रहे हैं, सुनिए आप खुद। आपने एंटी सीए मोमेंट देश में देखा है, आपने इसको थोपने की देश पे कोशिश भी करी थी। असम ने भी जवाब दिया था, उत्तर प्रदेश ने भी जवाब दिया था। गृहमंत्री श्री अमित शाह जी से कहते हैं अपनी तोपें और बंदूकें खोल लो और सीए मोमेंट इस देश में लागू करके दिखाओ। पहले जिस दिन लागू होगा आपकी सरकार का पतन का समय उसी दिन से शुरू हो जाएगा। बयान आपने सुन लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको हम मिलवाते हैं। एहसान अब्बासी साहब हमारे साथ में, प्रवक्ता
पसमांदा मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंबर जैदी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ हैं, यूपी अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता EIMIM के। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी साहब, ये आमिक जमी कहना क्या चाह रहे थे थोड़ा समझ नहीं पाए, थोड़ा सा आप अगर स्पष्ट कर देते तो बहुत अच्छा था। ये तोप बंदूक की बातें कहां से आ गई? ये आप अमित जमाई साहब से पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी के हैं आप भी, समाजवादी पार्टी से। नहीं, आप समाजवादी पार्टी से अगर हर कोई जो चाहे वो बोले तो उसका हर कोई जवाब थोड़ी ना देगा। हाँ। आप क्या पूछना चाहते हैं सीए पे, उस पर पूछिए। जो उन्होंने अमित जमाई ने बोला है वो आप अमित जमाई से पूछिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी की बातें रखी जा रही थी ना, ये कहा गया था कि अगर ये कानून आ जाएगा तो उसके बाद से पतन शुरू हो जाएगा। क्या आप भी ये मानते हैं पतन शुरू होगा आने के बाद? ये क्या मालूम कि आपके वहां के जो पत्रकार थे उन्होंने क्या सवाल किया और उस पर क्या जवाब दिया, आप उसको कहीं कि चलिए वो बात छोड़िए, मुझे ये बताइए जैसे मानना है कुछ लोगों का, आप समाजवादी पार्टी के अमित जमी को नहीं मान रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कुछ लोग मान रहे हैं कि जैसे ही कानून आ जाएगा तो पतन शुरू हो जाएगा, आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल पतन होगा, क्योंकि इसमें एक चीज सबसे पहले है कि सीए लागू करने से पहले आपको एनआरसी लागू करनी पड़ेगी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी आपको करना पड़ेगा। पहले पॉपुलेशन तो कंप्लीट करिए, आप जनगणना कंप्लीट करिए। जनगणना में भी जातिगत जनगणना करना है, आप वो तो करके दिखाइए। आप कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड से है, तो आप बैकवर्ड कहाँ है, कब हुए, किस समय हुए बैकवर्ड? अब बैकवर्ड होने के बाद आपने बैकवर्ड के लिए क्या किया? आपने बैकवर्ड का जितना भी आरक्षण था वो खत्म किया, आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण खत्म किया। जितने भी यूनिवर्सिटी में आज वॉन्ट निकलती है उसमें आप एक एक दो दो फीट करके निकालते हैं और उसमें कोई भी आरक्षण का कोटा नहीं रखते। अच्छा। क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते भाई? ये आप कई पिछले इनके 2010 से लेके 2014 से लेके 2024 तक के जितने भी अपॉइंटमेंट्स है आप उनको निकाल कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को इन्होंने कितने बैकवर्ड कितने शेड्यूल कितने शेड्यूल ट्राइब को इन्होंने आरक्षण के तहत वहां पर नौकरियां दी हैं, किसी को नहीं दी है। वहां पर इन्होंने सिवाय अपने जिसको हम लोग कहते हैं हाफ पैंट जनसंघियों को भरने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। आज की डेट में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें ज्यादातर प्रोफेसर और ज्यादातर आपके क्या नाम है वाइस चांसलर जो है उनका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, वो आपको आरएसएस से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, और यही पतन का कारण बनेगा अंबर जैदी जी, यही पतन का कारण बनेगा। भला करने की सोचने गए थे लेकिन वहां पर बुरा होगा और मंशा के साथ बुरा करेंगे, ये विपक्ष। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम जब एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो जब पतन की बात आती है तो इन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए अपने देश के लिए, और हम सब इस देश के वासी हैं और इस तरह के अपशब्द अगर आप अपने देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अगर अपनी ऊंची राजनीति के लिए, तो आपसे छोटी और आपसे जो महीन जो भावना है या मानसिकता है वो नहीं हो सकती। मैं बिलीव करती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल और अपने देश के लिए बुरी भावना रखना मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंदी सोच का परिणाम है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम एनआरसी की बात करते हैं या सीए की बात करते हैं, क्योंकि सीए की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन जब इस मुद्दे पे बात करते हैं तो सब इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। सीए एक ऐसा एक्ट है जब भारत पाकिस्तान से निकला, सॉरी पाकिस्तान भारत से निकल कर गया, तो उस वक्त ये सिटीजन एक्ट था 1955 और जिसके तहत जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इनफैक्ट अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी थी वहां की, उनको प्रोसिक्यूशन के आधार पर भारत में आने की इजाजत थी, और 2014 से पहले जो कोई भी वहां से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के हिसाब से आए तो वो भारत में उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, और क्योंकि भारत से पाकिस्तान रिलीजियस आधार पर ही निकला है, धर्म के आधार पर निकला है, पाकिस्तान मुसलमानों ने मांगा। अगर आप वापस से सीए के अंतर्गत भी मुसलमानों को इंक्लूड करना चाहते हो तो पहले आप पाकिस्तान जो आपने बनाया है उसको खत्म कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे कि मुसलमानों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो जो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट है उसके आधार पर आपने हमारे देश में 2019 में किस तरह से लोगों को भड़काया और पूरे देश में जगह जगह शाहीन बाग बनाए, कितने ही दंगे भड़के, दिल्ली में खासतौर से एक भयानक हमने दंगा देखा और कितने सारे लोगों की जाने गई और कितने सारे पब्लिक प्रॉपर्टी और लोगों को नुकसान पहुंचा, और आज भी हम हल्द्वानी में जो कुछ देख रहे हैं वो इसी उसी मानसिकता के तहत है।
अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता है, वो लोग जो लीडर ये एक बात हो गई, जनता को देश को जोड़ने का नहीं है। हर्षवर्धन जी बोल देती है बिना एक सेकंड गवाए। लारी जी देखिए कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं चाय पीते हुए। चले ठीक है लारी जी, दोबारा आ जाऊंगा मैं आपके पास। लेकिन हर्षवर्धन जी जरा ये बताइए, क्या आप इसे मानते हैं कि ये सरकार का एक ब्रह्मास्त्र है, और अगर ये सरकार की तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है तो उसका काट, इसकी तोड़ विपक्ष के पास क्या रहेगी? नहीं मंशु, मैं इसको बिल्कुल ब्रह्मास्त्र या किसी इस तरह से नहीं देखता हूं। ये किसी पर कोई अस्त्र नहीं चलाया जा रहा है, ये किसी के खिलाफ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। विशुद्ध रूप से इस देश के जो नागरिकता का एक कानून होना चाहिए, कोई अगर बाहर से आ रहा है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, जो भी गैर मुस्लिम है उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, और ये कोई मतलब अमित शाह या नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर हर सरकार की थी, चाहे वो भाजपा की रही हो, किसी समर्थन से रही हो, मिली जुली रही हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो, हर किसी को ये काम करना चाहिए था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक हर किसी ने ये कहा कि किसी भी समय जो हमारे देश के लोग हैं, यहां से जो लोग गए या जो वहां रह गए, उनको अगर किसी तरह की प्रताड़ना होती है तो हम बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। छोटी सी बात थी, इसको समझने के लिए इतना दिमाग लगाना, इतना जहर उगलना, इतना एक दूसरे के खिलाफ भड़कना भड़काना या तंज कसना, इसकी तो आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी फ्रॉड सेकुलर राजनीति इस देश में बस गई, पता नहीं क्या जो भी तरीका रहा हो उसको स्थापित कर दिया गया। चलो ठीक है, समझ में आता है कि आप किसी वक्त आपको लगा होगा, चलो आज विभाजन हुआ है, 5 साल 10 साल 20 साल कोई तो समय होगा ना जब आप इस देश के मुसलमानों को अपना समझते, उनके साथ उसी तरह से बैठ के बात कर पाते। लेकिन नहीं, आप तो इस तरह से मानते थे कि ये पाकिस्तान पर लोग हैं, इससे हमको थोड़ा सहला के रखना है, थोड़ा संजो के रखना है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए था, ये सरकार भी इसमें देर कर गई है, फिर भी अगर दुरुस्त आए तो देर आए दुरुस्त आए अच्छा होगा। ठीक है कुरैशी जी, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? बहुत से लोग ये समझना चाह रहे हैं, जब बहुत पहले से इसकी बात चल रही थी, कई लोगों के दस्तखत भी थे जिसका अमित शाह ने भी जिक्र किया है, तो फिर आज आपत्ति दिक्कत क्यों? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो है वो अगर नागरिकता की बात की जाए ना, तो लारी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सटीक बात है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्था के लोग, चाहे पत्रकार स्वरूपी हो चाहे राजनीतिक स्वरूपी हो, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं जो अपने एजेंडे पे मूव करने की बात कर रहे हैं वो देश को नुकसान पहुंचाने की बात है। सबसे पहला सवाल ये निकल के आता है कि देश की आप जनगणना की अगर बात की जाए तो जनगणना में इनको परेशानी है, अगर जातिगत जनगणना की बात आती है तो इनको परेशानी है। आप मुझे ये बताइए कि अगर अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, ये जो मामला आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो क्या बिल्कुल जो कि सच्चाई भी है, लेकिन क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर जाएंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर में इस तरीके के मामले जम रहे हैं और हम इसके खिलाफ मुखालिफत करते हैं और जब जाके यहाँ लेकर आएंगे? नहीं, आप वो नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है, आप सिर्फ मीठा मीठा गप करके जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में है, उसकी वजह से देश की जो स्थिति का निर्माण आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है और देश की राजनीतिक लोग जो राजनीतिक थोड़ा सा बता दीजिए मुझे कि जिन देशों की बात की जा रही है, चाहे पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, क्या वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ दिक्कतें नहीं हो रही है, उनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, परेशान नहीं किया जा रहा है? सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहां पे किसी ना किसी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा हो या टारगेट में नहीं लिया जा रहा हो, कोई है ऐसा मुल्क? एक मुल्क बता दीजिए मुझे हिमांशु जी कि ये एक मुल्क ऐसा है जहां कहीं किसी के ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं थी? मतलब अगर हम भला करना चाहें तो किसी का भला ना करें, अगर आसपास हमारे जो पड़ोसी हैं तो फिर सारी दुनिया से बुला लीजिए, सारी दुनिया से बुला लीजिए, अगर भलाई करना है तो सारी दुनिया से बुला लीजिए। दिक्कत यही तो है ना, राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी भगिनी संस्थाओं की यही है। मैं तो एक छोटा सा जवाब जल्दी से अंबर जी दीजिए, उसके बाद बाकी के दो मेहमानों के पास जाता हूं मैं। अंबर जी बताइए, 10 सेकंड पूरे मुल्क से बुला लेते हैं। देखिए हिमांशु, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि जब हम सीए की बात कर रहे हैं और जब हम रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की, तो भारत उन माइनॉरिटीज के लिए एकमात्र होम कंट्री है और भारत का हम दायित्व है कि हम
उन लोगों को यहाँ पर शरण दे। भारत की तो पहचान रही है कि सदियों से जो भी विश्व भर में कहीं पे भी जिनको धार्मिक प्रताड़ना हुई है उनको भारत ने अपने अंदर उसको उनको संरक्षण दिया, उनको शरण दी है और आज भी उनको अपनाकर अपने अंदर समाहित कर लिया। लेकिन जब बात हम पाकिस्तान की करते हैं जहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से माइनॉरिटीज बच्चियों को जो अंडर एज होती है उनको उठाकर अगवा कर उनका रेप किया जाता है और जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है और अधेड़ उम्र के आदमी के हवाले कर दिया जाता है और उसमें जुडिशरी पूरा सिस्टम शामिल होता है। मियां मिट्टू जो आईएसआई का प्लांट किया गया एक आदमी है विद सिक्योरिटी वो चलता है प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ, आज तक आप लोगों की हिम्मत होती है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कि हमारे भाइयों की वो किस तरह से जो हालात है उन मुद्दों को आप उठाते हैं। आप यहाँ पे आप सेक्युलरिज्म और आप सारी चीजों की डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है हिंदू बच्चियों के साथ क्या आपने आज तक कभी भी उसके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं उठाएंगे। आप यहाँ पे सारा ड्रामा करेंगे सेक्युलरिज्म के नाम पर। अब भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई इनजस्टिस नहीं चलेगा। भारत ही उन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए एकमात्र होमलैंड है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन सब सताए हुए लोगों के लिए आवाज उठाए क्योंकि वहां पर जो हालात है ऐसे। हाफिज नूर साहब, क्या आपको भी लगता है कि नहीं करना चाहिए? इम्प्लीमेंट किया बहुत से लोग हैं सताए हुए आस पड़ोस में, उनकी मदद क्यों करें? आपको भी लगता है सताए हुए तो बहुत सारे उन्हीं सताए हुए लोगों ने तो भारत को इस स्थिति में लेके आया है। हाफिज नूर साहब, भारत का विभाजन किसने किया? आप विभाजन करते रहेंगे हम सबको साथ। हमारा मुल्क धर्म निरपेक्ष मुल्क है। हम चाहते हैं कोई मसला हो, कोई मामला हो तो एक एक समुदाय को टारगेट करके नहीं होना चाहिए। यहां पर आपने मुसलमान छोड़ क्यों दिए? क्या वजह है? आप मुसलमान छोड़ के और आप ऐलान कर रहे हैं कि फला आएगा। मुसलमान क्यों नहीं आएगा फिर भाई? मुसलमान अच्छा, एक ममालिक में पीड़ित है, परेशान है। बार बार इस बात का जिक्र हुआ है हाफिज भाई, बार बार इस बात का जिक्र हुआ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश ढेर सारे अल्पसंख्यक, वहां पर अल्पसंख्यक में कौन है? हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन कौन है या मुसलमान? एक बात इनसे पूछ लीजिए, पहले अल्पसंख्यक क्या श्रीलंका में मुसलमान पीड़ित है, परेशान है, भारत में उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको श्रीलंका में मुसलमान पीड़ित है, परेशान है, अल्पसंख्यक है, बुलाओ उन्हें भारत में, तो फिर उनको वही देश में आकर मिलना है। भाई साहब, आप उस देश के कानून के दायरे में लेकर के आओ उन्हें, आपसी होती है फिर आपको शरिया ला मतलब अभी अंबर ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम से ले लिया। किसने लिया भाई इस्लाम के नाम पे? हमने तो नहीं लिया। हम तो मौलाना आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के हमसे वादा किया था। अच्छा, वादा पर यकीन करके हमारे पूर्वज भारत में रुके हैं। मौलाना आजाद की बात आ रही है, उनके भी दस्तखत थे, सरदार पटेल के भी थे, जवाहरलाल नेहरू उनके भी दस्तखत थे। एहसान अब्बासी साहब जल्दी से अपना रिएक्शन भी दे दीजिए। कौन है अल्पसंख्यक पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जिन राज्यों की, जिन देशों की बात हो रही है जहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को, कौन है वो लोग, जरा जल्दी से बताइए। हाँ, ऐसे कह रहा है कि मैं सबको सुना, मुझे दो मिनट दो, बोलिए। जब बंटवारा होता है तो हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान दे दिया मुसलमानों के लिए और हम लोग हिंदुस्तान रह गए। हमें हिंदुओं ने, हमें सिखों ने, हमें ईसाइयों ने हमारा साथ दिया, हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया, व्यापार किया, व्यवहार दिया। आज मुट्ठी भर लोग उन्हीं हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं जो बेचारे हमारे हिंदुस्तान के भाई पाकिस्तान बनाते चले गए थे। आज बड़ी जैसी विडंबना है हिंदू समाज में, जिस सिख समाज में हमें यहाँ पर पाला, हमारा साथ दिया, हमारा व्यापार दिया, हमें व्यवहार दिया। आज हमारे देश के मुसलमान जो मुठ्ठी भर मुसलमान है, जो चाहे जमा है वो विरोध कर रही है उन हिंदू मुस्लिम सिख के साथियों का, क्योंकि वो नहीं चाहते अब्बासी साहब पता नहीं है। लीजिए, आपने थोड़ी सी बात कही अब्बासी साहब, आपने शुरुआत में मुश्किल से दो मिनट मांगे थे, 30 सेकंड आपने बोला, हाफिज नूर साहब को आपत्ति हो गई। मुझे आपत्ति से सुनो, मुझे आपत्ति ऐसी बात कर रहा आवाज साफ आ रही थी। बिल्कुल आवाज थोड़ी और क्लियर करा आपकी, लेकिन शुरुआत में जो सुना। हाँ हाफिज जी बताइए, क्या गलत बोला अब्बासी जी ने? मैंने अब्बासी साहब को समझ नहीं पाया, तभी तो मैंने आपत्ति की, आवाज समझ में नहीं आ रही है और आपने कहीं का उठा के कहीं उन्होंने शुरुआत में बोला कि कितने सारे लोग थे और यहाँ पर कैसे मदद की गई भारत में, उनकी हिंदुओं ने मदद करी और फिर से
सवाल उठाए जाते हैं, ये उन्होंने बोला आपको तुरंत बोला ये गलत है। मुसलमान आपस में रह रहे हैं, आप लोग रहने नहीं देना चाहते, अलग बात है। भारत में तो हिंदू मुसलमान कल भी रहते थे, आज भी आराम से आपस में प्यार से रह रहे हैं। आपकी आवाज एहसान अब्बासी साहब एक बार आपका ऑडियो क्लियर कराते हैं, एहसान अब्बासी साहब एक बार आपका ऑडियो क्लियर कराते हैं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है तो इससे दिक्कत हो सकती है। दानिश जी बोलिए। दीक्षित जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊं कि पैनल में बैठे हुए जो लोग, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ सबसे पहले तो पैनल में बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनके पास मुझे लगता है कि आंकड़े पा लेने की जरूरत है। पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो या अफगानिस्तान की बात हो, वहां से आने वाले भारत के लोग और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने वाले जो लोग हैं उनको आप देखेंगे तो शायद कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा आपको मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाने वाले लोगों का। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आर्ग्यूमेंट ही बेसलेस है। और दूसरे नंबर की देखिए इंटरप्ट मत करिए बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं। अब सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा लगता है कि वहां प्रताड़ना हो रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों मोर्चे पे या तो उनके ऊपर दबाया जाए, क्योंकि देखिए किसी के ऊपर भी दबाव की आपको लगता है कि हो रही है कि नहीं हो रही। पहले आप अपना नजरिया बता दीजिए, थोड़ा सा अपना बताइए ना, हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए देश में क्या फैसला करना है ये देश की आवाम तय करेगी, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह तय करेंगे। तो आप भी तो आवाम है ना देश की, आप भी देश की आवाम है, आपको लगता है कि वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है या नहीं? कह रहे हैं कि सुनिए, इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि किसी को CAA में इंक्लूड करने से बेहतर है कि किसी को रोजगार देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की बहन की सुरक्षा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की आर्थिक स्थिति जो है उसको पहुंचा। हर्षवर्धन जी सुन रहे हैं आप? हर्षवर्धन जी आपने सुना? हर्षवर्धन जी ये इतने सुविचार जो यहां पर आए हैं उस पर आपका रिएक्शन? नहीं हिमांशु मैं क्या ही कहूं अब, मतलब अगर हम जिसको कहते हैं ना कि कहीं की बात कर रहे हैं कहीं की और बात करने लगे तो उसमें मैं क्या कहूं। CAA को लेकर इस तरह की जब चर्चा होने लगती है तो हमें लगता है कि देखिए सच इनको भी पता है, विरोध करने की कोई वजह है नहीं। और मैं जो मैंने शुरू में कहा फिर से दोहरा रहा हूं, जब इसमें मुसलमान है नहीं तो उसका विरोध कैसे हो गया? और देश के मुसलमानों से तो कोई लेना देना ही नहीं। इसको जाने कितने जो जहीन मुसलमान हैं जिनको थोड़ी समझ है वो बार बार समझा भी चुके हैं, लेकिन चूंकि जिनको अपनी दुकान चलानी है, जिनको लड़ाई लड़ना है, जिनको आगे लड़ाना और बचना चाहिए, मतलब मुस्लिम ममालिक से लोग आ रहे हो लेकर के आ रहे हो, जो 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 मतलब मुसलमान दूसरी जगह पर फंसे हुए उनकी बात ही नहीं कर रहे हो आप, ये क्या है? साफ साफ बोल रहे श्री अमित शाह जी के 2024 से पहले इसको लागू करना है, क्या है 2024 में बताने के लिए कुछ नहीं है उनके पास? अच्छा तो आपको इस बात से आपत्ति है कि 2024 से पहले लागू करवाया जा रहा है? लागू करवाया जा रहा है 2024 से बताने के लिए कुछ और नहीं है। अरे तो सरकार देश में मैंने आपसे पहले भी कहा ठीक है हर्षवर्धन जी एक बार लारी जी को सुन लेते हैं। जी लारी साहब प्लीज, अब्बासी साहब आपका ऑडियो क्लियर करवा रहे हैं, एक मिनट प्लीज टीम जरा देखिए इनका ऑडियो क्लियर हो जाए। लारी साहब प्लीज बोलिए। देखिए कई चीजें सर बीच में बात हुई है, कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में लड़कियों का शोषण हो रहा है, तो भाई 13 लाख लड़कियां हिंदुस्तान से गायब है, अकेले गुजरात से 6 लाख गायब है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि साहब वहां पर बड़ा शोषण हो रहा है, चलिए मान लेते हैं शोषण हो रहा है, वो कहता है कि कश्मीर में शोषण हो रहा है तो उनकी भी बात माननी पड़ जाएगी अगर हम उनके देश। अच्छा मतलब आप अपने देश के लोगों की बात नहीं मानेंगे? मेरी बात सुनिए ना, आप इस देश में रहते हुए इस देश की बात नहीं मानेंगे? आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में भी शोषण हो रहा है? थोड़ा तो लारी साहब देखिए ना, है ये वो हाँ तो उनकी भी बात मान लेते हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं उनकी भी बात मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं आप रिवाइंड करके सुनिए, वो कहते हैं कि क्या नाम है यहाँ पे शोषण हो रहा है कश्मीर में, तो क्या उनकी बात मान ली जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, अभी 2 लड़के अमेरिका में मारे गए, अमित शाह जी ने उस पर क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा, कोई कुछ नहीं, कोई एक बयान तक नहीं, एक सिंपल सी लाइन तक नहीं आई। लेकिन यहां से जो 6,70,000 लोग पर ईयर देश छोड़ के गए हैं 2014 से, उनके बारे में भी बात कर लो भाई, उनके वो क्यों छोड़कर भागे? वो मोदी योगी की वजह से छोड़कर भागे, वो यहाँ की व्यवस्था की वजह से, यहाँ के तमाशों की वजह से देश छोड़कर भागे। 6,00,000, 6.5-7 लाख के लमसम में लोगों ने भागे हैं, तो भाई उतने लोग तो वापस भी नहीं आ रहे,
दूसरी बात, अच्छा आप लोगों को मेरे को बस एक बात बताइए प्लीज प्लीज लारी साहब, एक मिनट मेरे को बस एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तारिक अहमद लारी जी, दानिश कुरैशी जी और हाफिज नूर अहमद साहब, मेरे को बस एक बात क्लियर कर दीजिए, क्या CAA से इसलिए दिक्कत है क्योंकि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है? सर क्या गारंटी है कि हिंदू, बस ये बताइए क्या इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, इस बात से आपत्ति है हाफिज साहब? क्या गारंटी है कि वहां से ISI एजेंट उनके देश में ना आए, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या गारंटी है? आप तो कह रहे हिंदू हो सकता है ISI एजेंट, तो क्या करिएगा? मतलब हमारी हमारी जो एजेंसियां हैं वो ऐसे ही बैठी हैं, जब पूरी पूरी जांच पड़ताल के बाद, सारे पहलुओं के बाद, एक लंबी प्रोसेस के बाद किसी को नागरिकता अगर दी जाएगी, ठीक है, वाह, मतलब ये देखिए कि विरोध करना है तो कोई ना कोई जरिया तो यहाँ पर ढूंढ लिया जाएगा। अच्छा मुद्दा उठाया, हाँ। देश की सुरक्षा की बात है, ठीक है ठीक है, देश की सुरक्षा की बात है। एक और क्या इसमें गलत है, हर्षवर्धन जी मेरे को ये बताइए, क्या ये सब लोग ऐसे ही बैठे हैं कि किसी को भी अगर नागरिकता दी जाएगी तो देखा जाएगा कि कौन है क्या नहीं है, या फिर ऐसे कि आइए चलिए ले लीजिए? ये विरोध का तरीका मेरे समझ नहीं आया। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों को कितनी तरह की चिंताएं हो रही हैं, और अच्छा है कि ये सारे लोग इतने समझदार हो जाने से हो रहे हैं, मुझे तो इसी पे अच्छा लग रहा है। हिमांशु थोड़ा सा हम इस तरह से बहस नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं, मैं इसीलिए मेरी भी कोशिश ये रहती है करके बोले, कितने शुरुआत में कितने अच्छे तरीके से बात चल रही थी ना, अब पॉइंट आप लोगों ने उठाए, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आपत्ति किस बात से है दानिश भाई को, लारी जी को, हाफिज नूर को, क्या सिर्फ इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया, यही बात है? एक त्रिपाठी जी ये बात है क्या, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा? रुकिए ना, ये आपने आपने पॉइंट उठाया, आपने पॉइंट उठाया, त्रिपाठी जी से जवाब ले लेता हूँ, क्या यही एक पॉइंट है जो विरोध का मुख्य उद्देश्य है? त्रिपाठी जी देखिए हिमांशु जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि जितनी समझदारी की बातें लोग कर रहे हैं CAA के बहाने, जिससे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, उससे इतना तो तय है कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा समझदार लोग हो रहे हैं, वरना तो उन मुद्दों पर भी वो ऊटपटांग बातें करते थे। अब अगर कोई दूसरे आंकड़े गिनाने लगे, और भाषा आप देखिए किसके डर से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, यानी जो लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं और वो ज्यादातर समृद्ध लोग हैं, ये दुनिया के किसी भी देश में, विकसित से विकसित देश से भी लोग दूसरे किसी देश में जाते हैं अपनी कारोबारी जरूरत के लिए, अपनी दूसरी जरूरतों के लिए, अपनी सुविधा के लिए, तो यहां से भी लोग जा रहे होंगे। लेकिन जब हम नागरिकता कानून की बात करते हैं तो वो शुद्ध रूप से, हाँ। उसमें और कोई दाएं बाएं नहीं जाना है, जो प्रताड़ित लोग हैं उन प्रताड़ित अल्पसंख्यक, बुनियाद क्या है, धार्मिक आधार, उन प्रताड़ित अल्पसंख्यक को भारत सरकार ने कहा कि भाई ये नियम है, हम आपको नागरिकता देंगे। इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान से आएगा या बांग्लादेश से आएगा उसको नागरिकता नहीं दिला सकते, उसके लिए सामान्य दूसरे नियम है, कम से कम इतना तो समझना चाहिए। स्पष्ट करिए, अच्छा ये स्पष्ट कर दीजिए त्रिपाठी जी, स्पष्ट कर दीजिए प्लीज, क्या वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन किया था, वो क्या ये लिखा था उन्होंने कि इसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया जाएगा? सवाल समझ गए, सवाल समझ गए त्रिपाठी जी, प्लीज इसका जवाब दीजिए, संशय दूर कीजिए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि कौन लिख के क्या गया, कौन साइन क्या कर गया, तंज वंज में अच्छा लगता है लारी, जब गंभीर बहस हो। भारत की सरकार जो जिस समय रहेगी उसी की बात तो कह रहे हैं वो, जवाब देने देंगे तो जवाब तो नहीं आते ना, तारिक अहमद लाल मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे कमाल करते हैं, सुनूंगा कैसे? अच्छा लारी साहब आपने बोला अच्छा लगा, लेकिन उनको सुन लेते ना। अमित शाह ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि ये पहले भी देश की सरकारों की जिम्मेदारी थी, उनको करना चाहिए था। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब हम कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में किसी मुसलमान का अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है भारत आना चाहता है, उसके प्रोसीजर पहले से तय हैं, ढेर सारे मुसलमान वो भारत की नागरिकता ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं जब हम लोग ये बहस कर रहे हैं। अच्छा अब एक सवाल और थोड़ा सा बता दीजिए हाफिज साहब, कुछ भी बोलना ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा हाफिज साहब एक बात और बता दीजिए, अभी तक इस सरकार ने जो कुछ भी बोला है वो हकीकत में तब्दील हुआ है, अभी तक का तो ऐसा ही रहा है कि जो कुछ भी कहा है वो हकीकत में तब्दील हुआ है, और तब भी कई लोग ऐसा बोलते थे कि ये तो हो ही नहीं पाएगा,
एक बार करके तो देखिए पतन की शुरुआत हो जाएगी, आप चले जाएंगे, लेकिन सरकार ने वो किया और उसके बाद वापस आ भी रही है, अब ये भी आ जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों का रवैया क्या? हाफिज नूर साहब, देखिए देखिए, आप अभी हर्षवर्धन साहब बोल रहे थे कि वो अमित शाह जी ने कहा है कि वो पहले की सरकारों को ऐसा करना चाहिए, इसीलिए अमित शाह जी को 10 साल लग गए ये बात करते करते। मेरे को एक बात बताइए, मेरे को हाफिज भाई एक बात बता दीजिए, हाफिज भाई एक बात बता दीजिए मेरे को अपनी जिज्ञासा के लिए ये बता दीजिए, आपने बोला 2024 से पहले से क्यों ला रहे हैं, चुनावों से पहले क्यों ला रहे हैं? अगर पहले ले आते तो बोलती है देखिए इतनी जल्दी ले आए बिना कोई बातचीत के, बिना कोई विचार विमर्श के लिए, बिल्कुल मतलब समय कब आपसे पूछ ले, समय आपसे पूछ ले मैंने आपसे ये पूछा, आप बताइए आप क्या करेंगे? अभी तक जो सरकार ने बोला वो सरकार ने किया है अभी तक, अब ये होगा तो फिर क्या करेंगे? अमित शाह जी ने सरकार ने जो बोला वो नहीं किया था, सरकार ने कहा था 15 लाख रुपए जी ने नहीं दिया। अरे आप 15 लाख पे आ गए, आप 15 लाख पे आ गए, सुनिए ना, नोटबंदी, अरे इसका बताइए ना, अब इधर उधर क्यों जा रहे हैं दाएं बाएं मत जाइए, जो 70 के फायदे थे उसको बताया नहीं, अरे दाएं बाएं मत जाइए मुझे तो क्लियर बताइए ना, डर क्यों कि आगे क्या आप लगातार मुस्लिमों को यही बताते रहेंगे कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये उनके लिए गलत है, दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक कर पिएगा, लोग कहते हैं ना। अब्बासी साहब हमने सुनिए, अब्बासी साहब ने देशवासियों का पक्ष खराब किया है इस टाइम समिट में, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुड़े उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, नागरिकता देने वाला है, हिंदुओं को भड़काते हैं। अब्बासी साहब ये कैसे दूर होगा लोगों के अंदर? आ रही है सर, हाँ ऐसे कहा है कि मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, हमें हिंदू समाज ने जो हमें सहारा दिया आज हम उसी को दुश्मन बन गए, मुस्लिम लोग हैं हमारे समाज के जो टीवी पे आकर गला पाते हैं और हिंदुओं का अपमान करने का काम करते हैं, भारत सरकार ने जो काम किया है उनके लिए कानून लाए जो हमारे भाई थे जो बंटवारे में कहेंगे नहीं पाकिस्तान या भारत से चले गए थे वो वापस आए, हमारा फंड बनता है, भारत सरकार का फंड बनता है और हम मुसलमानों का बहुत बड़ा फंड बनता है, हमको वेलकम करें कि हम ये रहे, बंटवारे में आपने हमें साथ दिया था, आप घर वापस आ गए हो, हम आपका साथ देंगे, आप हमारे भाई थे, आप घर से जा नहीं तो अब्बासी साहब मुसलमानों को जो मुस्लिम भाई हैं इस देश में रहने वाले उनको ये बात कौन समझाएगा कि इससे नागरिकता जाएगी नहीं, नागरिकता मिलेगी और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुट्ठी भर लो अब्बासी साहब, बंटवारे के वक्त मुसलमान भी गए थे, गए थे या नहीं गए थे बताओ ना, मुसलमान गए थे लेकिन हमें रोकने गए थे, हमें हिंदू भाइयों ने मुसलमान वापस अच्छा रुकिए अब्बासी साहब, अंबर जी ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है या फिर सब स्पष्ट है, जैसे हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि सारी चीजें स्पष्ट हैं, बिल्कुल साफ हैं, कहीं पर कोई संशय की स्थिति नहीं है, कंफ्यूजन की स्टेज ही नहीं है, तो वो क्रिएट कौन कर रहा है? हिमांशु देखिए इसमें कोई भी संशय स्टार्टिंग से नहीं रहा है, लेकिन हमारे देश के विपक्ष ने जिनके पास जनता के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है, 2019 में भी आपको याद होगा दिसंबर में जब ये सीएनआरसी वाला मसला पूरे देश में जिसको तथ्यों को तोड़ मोड़ कर देश में लोगों को खासतौर से मुसलमानों को भड़काया गया और महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर उतारा गया एक षड्यंत्र के तहत भारत के खिलाफ, ग्लोबली भारत की जो इमेज है उसको ताता करने के लिए ये दो पेशेंट होंगे। अरे नूर अहमद जी थोड़ा सा रुकिए ना, आपके लिए सड़क पे आके बैठ जाते, तोड़ फोड़ शुरू कर देते, दंगे फसाद शुरू कर देते, आपके कौन से? दरअसल क्या है कि ऐसे ही जब विपक्ष एक साथ आवाज उठाता है तो कोई सुन नहीं पाते, आप दर्शकों तक अपनी आवाज पहुंचाइए एक एक करके। आप लोग बात करते हैं कि आप लोग इंसानियत के लिए आवाज उठाते, पाकिस्तान के बच्चों के खिलाफ हिंसा हो रही है, नहीं हम तो आपकी बात सुनते हैं, धर्म के
आधार पर, वहां पे आप कहते हैं कि हर जगह ऐसा होता, फिर हर जगह ऐसा होता तो फिर खामोश रहिए ना, आप लाने दीजिए सीए को, आपको कौन सी चिंता है, पहले आप धर्म के आधार पर देश अलग ले लीजिए, फिर आपको मुस्लिम समाज को चेतावनी देना करनी चाहिए, आप वहां से गए किस तरह की बात है भाई, आप क्यों इस देश के लोगों को भटका रहे हैं, आपका काम है इस देश में आप राजनीति करना चाहते हैं राजनीति कीजिए, समाज को जोड़ना है समाज को जोड़िए, लेकिन आप तारिक अहमद साहब नहीं कर पा रहे ना, आप ये तोड़ने की बात क्यों हो रही है, जोड़ने की बात होनी चाहिए ना, हम तो देश हमारा भारत तो ये कहता है कि भैया जो लोग परेशान है हमारे यहाँ आइए। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जैसे कहा, एक मिनट मैडम मैं बीच में नहीं बोला था, अभी जैसे इन्होंने कहा कि भारत कर रही हो, हाँ बोलिए, हाँ नहीं अब आपका सही, हाँ तारिक भाई बोलिए बोलिए बोलिए, देखिए उसमें ये है, अभी जैसे कहा, अभी 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 जैसे कहा गया कि भारत के खिलाफ बैठाया गया धरने पर, भारत के खिलाफ भी सरकार के खिलाफ बैठाया गया था, वो भारत नहीं है, वो देश नहीं है, वो देश की सरकार और सरकार के दमनकारी और जो इस तरह की हरकतें हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का हमें संवैधानिक अधिकार है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं चल रहा है। तारिक भाई आप, मैं जानता हूँ बातों को इधर उधर करने में बहुत एक्सपर्ट हैं आप मुद्दे को कहीं और ले जाएंगे, लेकिन लेकिन हकीकत पे दिल पे हाथ रखे बताइएगा, आपने भी कई खबरें देखी होंगी, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में कई ऐसे अल्पसंख्यक नहीं है जिनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, ये बताइए आप, और अगर उनको भारत में आने की एक वजह मिल रही है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल, शिया कम्युनिटी भी उसमें से एक है, उनको भी आने की इजाजत मिलनी चाहिए, अहमदिया कम्युनिटी, ऑडियो म्यूट हुआ शायद आपका, इजाजत मिलनी चाहिए, आपने तो उसमें एम शब्द जोड़कर ही खत्म कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने यूसीसी लागू करने की बात की थी तो ये भी साइन किया था कि मुसलमान को इस देश में जगह नहीं दी जाएगी, ऐसा काम नहीं करिए, अमित शाह झूठा बयान देते हैं, ये झूठे मक्कार अय्यार हो गए, मैं साफ कहता हूँ ये आदमी बस एक चीज, अहमद अब्बासी साहब बस एक चीज, एक बात मेरे को जरा सी स्पष्ट करके बताइएगा, एहसान अब्बासी जी, ये कहा गया कि मुस्लिमों में भेदभाव किया गया, मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया, मुझे ये बताइए क्या मुसलमानों में आपस में क्या भेदभाव किया जाता है, मैं सिया सुन्नी या फिर तमाम अहमदिया हर किसी की बात कर रहा हूं, क्या ये भेदभाव किया जाता है, तब सबको एक साथ लाने की बात करते हैं ये वो लोग जो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के पैरोकार हैं? नहीं, सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया, परंतु मुसलमान भेदभाव करते हैं आपस में, ये सिया है ये सुन्नी है ये मुसलमान है काफिर है, सरकार ने कोई भेद नहीं किया, सारी योजना है सब सरकार, अब ये शायद आपको अलग लगेंगे, अब अब्बासी साहब शायद आपको झूठे लगेंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सरकार पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं लेकिन खुद जो भेदभाव कर रहे हैं वो चीज खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं, त्रिपाठी जी प्लीज, ये मुसलमान नहीं, मानसी जी मुझे लगता है कि इसमें भेदभाव जैसा मसला नहीं है, ये विशुद्ध रूप से धार्मिक आधार पर पड़ोसी मुल्कों में उत्पीड़न का मसला है, उससे दाएं बाएं हटने की जरूरत नहीं, इसमें भारत के मुसलमान की कोई न भूमिका है न होनी चाहिए, कुछ लोगों ने उन्हें भड़काया, सड़क पर उतारा, उनका नुकसान कराया, उनको दंगाई बनाया, वो और गलत लोग हैं, ऐसे लोगों को पहचाना जाना चाहिए, आप टीवी की बहस में भी उनको पहचान लेंगे, बार जब बार एक मुद्दा उठाया जा रहा है और आगे भी उठाया जाता रहेगा, त्रिपाठी जी बार बार एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि मुस्लिमों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, एक टूक जवाब उनके लिए क्या है त्रिपाठी जी, एक टूक जवाब क्या है? नागरिकता कानून बनाने का अधिकार हर सरकार को है, हर सरकार समय समय पर बनाती रही है, भारत की अभी की सरकार को लगता है कि ये नागरिकता कानून पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, मुस्लिम मुल्क जो हैं, इसलिए ये सरकार का अधिकार है। अब्बासी जी 10 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए, सही है फैसला करने वाले अब्बासी जी, मुसलमान और लोकतंत्र दोनों विरोधी, अब्बासी जी जल्दी बताइए 10 सेकंड में, सब सही फैसला है और ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे ने? बात करते हैं तो सही फैसला है, और ये जो विरोध कर रहे हैं ये मुझे बता दें कि सिया सुन्नी शादी कर सकते हैं, घट्टा दो मुसलमानों ने सिया मुसलमान है और सुन्नी मुसलमान है, क्या दो समुदाय घट्टा शादी कर सकते हैं, ये बता दे मुझे। अब इस पर हाफिज नूर साहब शायद इधर उधर देखेंगे कि सिया सुन्नी अहमदिया पसमांदा जब यहाँ पर आएगा तो कहेंगे कि नहीं यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता, सरकार ही जो सब भेदभाव करती है, लेकिन कई बार जब आईना दिखता है तो उस वक्त शायद मुश्किलें हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।